ऑलराइट दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजी का S1060 पेन टैबलेट्स, तो स्टार्ट योर क्रिएटिव जर्नी। इसका मतलब क्या है? बेसिकली पेन टैबलेट क्या होता है, इंस्टेड ऑफ माउस या कीबोर्ड के अलावा ये भी टैबलेट आप यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ माउस क्या कुछ कर सकता है, ये सारा चीज भी कर सकता है, इससे ज्यादा भी करेगा। इसमें बटन मिलेगा आपको जो कि आप शॉर्टकट्स रख सकते हैं कोई एप्स ओपन करने के लिए, या फिर कहीं भी आप ड्रॉइंग करने के लिए शॉर्टकट्स यूज करते हो तो ये सारा चीज जो है वो इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं। पेन टैबलेट होता है तो पेन से हम कैसे लिखते हैं बुक पर, तो इजी होता है ना, कंफर्टेबल वे में, वैसे ही आप डिजिटाइज मतलब कंप्यूटर पर यह यूज कर सकते हैं। तो वो सारा चीज मैं कंप्लीट रिव्यू में कैसे क्या कुछ बताऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। तो यह बॉक्स पैकेजिंग पीछे देखेंगे तो यहां पर डायमेंशन लिखा है कि कितना बड़ा है टैबलेट अगर आप डेस्क पर रख रहे हैं यूज करने के लिए, तो 10 इंच बाय 6.27 इंचेस होना चाहिए। एंड टिल्ट फीचर भी मिलता है आपको पेन में, मतलब कि पेन ऐसे ही पकड़ना है वैसे ही पकड़ना है, ऐसे कुछ नहीं, टिल्ट फीचर भी, टिल्ट भी करके ब्रश स्ट्रोक्स जो रहते हैं वो भी आप इजिली कर सकते हैं। विद प्रेशर सेंसिटिविटी एट 8192 लेवल्स, कस्टमाइजेबल शॉर्टकट्स, इसके दूसरे रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हूं, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। तो ये है बॉक्स पैकेजिंग, जल्दी से फटाफट खोलते हैं इसको। तो सबसे पहले टैबलेट आपको दिख जाता है लेकिन कवर में है, राइट, कैसा है पता नहीं, बाद में देखते हैं। तो ये है USB टाइप सी केबल, इसको कंप्यूटर पर कनेक्ट करना पड़ता है, ये जाकर टैबलेट पर जाएगा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आप वीडियो को एंड तक देखिए ज़रूर, तो ये चीज़ जो है वो निब रिमूव करने के लिए होता है। तो पेन का निब आप रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही निब पर चलना है पूरा ज़िंदगी। तो ये है इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला था, ये है USB OTG केबल। अरे ये टैबलेट में USB OTG केबल क्या कर रहा है, राइट। तो ये USB Type-C एंड USB जो माइक्रो USB रहता है वो वाला है, ये मोबाइल के लिए है। आप मोबाइल को कनेक्ट करके यहाँ पर USB दे के यहाँ कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल में भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड कंपैटिबल है तो यूज़ कर सकते हैं इस टैबलेट को आप मोबाइल पे भी, मैं दिखाऊंगा कैसे क्या कुछ। तो ये है पेन स्टाइलस जो कहते हैं, तो जल्दी से ओपन करते हैं। कितना है इसका थिकनेस देखिए, इजीली कंफर्टेबल रहना चाहिए ड्रॉ करने के लिए हो, या फिर आर्किटेक्चर डिज़ाइंस बना रहे हैं, या फिर फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ भी कीजिए आप इस टैबलेट को यूज़ करके सारा चीज़ कर सकते हैं। पेन जो है ऐसा है डिज़ाइन, यहाँ पर दो बटन मिलता है अप एंड डाउन, तो ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जल्दी से अनडू करना है, रीडू करना है तो ये दोनों बना सकते हैं, इरेज़र ब्रश या फिर कुछ भी आप रख सकते हैं, कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। एंड पेन का निब का थिकनेस आपने अभी देख लिया है, तो पेन साइड में रखते हैं क्या कुछ दिया है। और यहाँ पर पेन निब्स दिए हैं, एक्स्ट्रा निब्स, विच इज़ ऑलवेज गुड, देखिए 10 निब्स दिए हैं एक्स्ट्रा पेयर, ऐसा नहीं कि एक ही निब पर पूरा ज़िंदगी गुजरना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको मिलता है वारंटी पॉलिसी, क्विक गाइड पेन टैबलेट का, और क्विक गाइड एंड्रॉयड डिवाइस का, तो एंड्रॉयड डिवाइस को कैसे कनेक्ट करें ये भी इन्होंने बुक में दिया है। बुक पढ़ने का शौक है तो आप कंप्लीट बुक गाइड पढ़ सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे पेन टैबलेट, तो कैसा है पेन टैबलेट, तो चलिए खोलते हैं इसको, कवर निकालते ही ये रहा यूजी का S1060 मॉडल नंबर है। तो इसको पील करना है, लैमिनेटेड है ऊपर, एक्चुअली थोड़ा प्लास्टिक लगा है इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए, तो मैट फिनिश है। एंड 10 इंच बाय 6.27 इंचेस वर्क स्पेस एरिया है इसका, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बटन्स है, कितना है 3, 3, 6, 6, 6, 12 बटन्स इन्होंने शॉर्टकट बटन्स दिया है, तो आप कंप्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं इन बटन्स को। एक बटन प्रेस करो तो क्या होना है कंप्यूटर में वो डिसाइड कर सकते हैं, मोबाइल हो या कंप्यूटर। एंड यहाँ पर आप पेन अंदर रख सकते हैं, तो टैबलेट के साथ आप पेन इजीली कैरी कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर USB टाइप सी है जो कि कंप्यूटर को या फिर एंड्रॉयड डिवाइस को जाता है। एंड दैट्स अबाउट इट, पीछे देखेंगे तो ये मुझे अच्छा लगा इस टैबलेट का, विच इज़ देखिए थोड़ा स्लैंटेड है ऐसा, जब आप ऐसे टेबल पर रखेंगे ना तो वेरी ग्रिपी होता है, ऐसा नहीं कि मूव हो जाता है, ऐसा करने से मूव नहीं होता है, वेरी ग्रिपी है, तो आप इजीली यहाँ पर डिज़ाइन कुछ भी आप कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं, सिग्नेचर करना हो या फिर कुछ भी हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हैं। दैट्स द रबरी फिनिश ग्रिप यहाँ पर इन्होंने दिया है, जो स्लैंट है मैं बता रहा था, तो थोड़ा ऐसे स्लैंट है ना तो कंफर्टेबली आप वर्क कर सकते हैं ज़्यादा देर तक। तो ये क्विक एंड ओवरव्यू था, अभी हम जाके इसका रिव्यू करते हैं, तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। तो नेक्स्ट मैं अभी कनेक्ट करके कैसा है क्या कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो अभी हमने टैबलेट को कनेक्ट कर दिया, इसके बाद आपको इसका ड्राइवर डाउनलोड करना है, तो बहुत ही ईजी है, वन स्टेप प्रोसेस है बेसिकली। तो आपको गूगल सर्च पे जाके यूजी ड्राइवर डाउनलोड या फिर यूजी ड्राइवर करके सर्च कीजिए, आपको पहला वेबसाइट ही मिल जाएगा डाउनलोड ड्राइवर्स ऑफ टैबलेट। तो यहाँ पर जाके एक्चुअली क्या हुआ है, कनेक्ट करने के बाद ही आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टेंटली, जैसे कि आप देख सकते हैं कर्सर भी मूव हो रहा है ना, तो
इस टैबलेट को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जाके हम डाउनलोड करेंगे पहले ड्राइवर्स को, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर इंटरफेस मिलेगा ना, उससे आप शॉर्टकट्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर S1060 करके लिखा है ना मॉडल, तो इस पर एक बार क्लिक करना है। नीचे जाते ही देखिए अपडेटेड ड्राइवर भी आ चुका है, April 27th। ओके, सो यहाँ पर जाके विंडोज़ है तो विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड होगा, डबल क्लिक करके बस इंस्टॉल कर दीजिएगा। वेरी इजी है, इंस्टॉल करने के बाद रीस्टार्ट करने के लिए पूछेगा वो, तो आपको जाके रीस्टार्ट करना है कंप्यूटर। एक बार प्रोसेस है तो रीस्टार्ट होने के बाद तो क्या करना है आपको, मैं अभी आपको बताऊँगा। ओके, तो अभी हम टैबलेट यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो नीचे जाते ही यहाँ पर टास्क बार में आपको क्या मिलेगा, यूजी टैबलेट करके मिलेगा। तो आइकॉन ये है सॉफ्टवेयर इंटरफेस। ओके, तो यूजी टैबलेट का देखिए डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, शॉर्टकट कीज है तो कीबोर्ड बी शॉर्टकट K1 की को रखा गया है। ये जो बेसिकली K1, K2, K3, K4 यहाँ पर नाम दिया गया है, तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको कौन सा शॉर्टकट्स चाहिए, तो बार बार आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर एप्लीकेशन को पर्टिकुलर शॉर्टकट भी आप रख सकते हैं। मतलब फोटोशॉप के लिए अलग शॉर्टकट्स, और पेंट कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो या फिर ब्लेंडर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रीमियर प्रो, तो वहाँ पर भी आप शॉर्टकट्स अलग अलग रख सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा इस सॉफ्टवेयर का। तो देखिए शॉर्टकट कीज यहाँ पर कीबोर्ड बी माउस कंट्रोल रखना है, या फिर कीबोर्ड डिवाइस रन एप्लीकेशन डिसेबल, कंप्लीटली डिसेबल भी कर सकते हैं। 12 बटन्स है बेसिकली, तो 12 बटन्स को आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ आते हैं तो वर्क एरिया है, तो वर्क एरिया में बेसिकली यहाँ पर वाइड स्क्रीन मॉनिटर है। अगर आपका वाइड स्क्रीन इतना नहीं है तो भी आप वर्क स्पेस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इतना ही चाहिए मुझे वर्क स्पेस एरिया टैबलेट के लिए अलग से, वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डायमेंशन XY, WH, विड्थ एंड हाइट, यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेट करना है, एंड उसके बाद ड्राइंग टैबलेट है ना, इसका वर्क स्पेस एरिया भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने क्या किया है, सारा स्क्रीन जो है वो कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पर रखा हूँ, तो मैं कॉर्नर पर जाता हूँ पेन लेके तो माउस कर्सर वहाँ पर कॉर्नर पर जाएगा। तो ऐसे आप कैसे चाहिए वैसे आप इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। पेन सेटिंग्स में जाएंगे, देखिए पेन में 2 बटन, जैसे कि मैंने कहा ये बटन प्रेस करने से क्या शॉर्टकट आना है, ये बटन प्रेस करने से क्या कुछ होना है। ओके, तो यहाँ पर पेन या फिर इरेजर रखा है आपकी, एंड डाउन की को माउस राइट क्लिक का रखा है, तो राइट क्लिक चेंज करके आप कोई भी कुछ भी रख सकते हैं। ओके, दूसरा चीज, अगर आपके कंप्यूटर में या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वहां पर प्रेशर सेंसिटिविटी जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप यहां जाके विंडोज इंक फंक्शन है ना, इसको एक बार एनेबल कर देना है, टिक कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने किया हुआ है, तो वो करने से आपको प्रेशर सेंसिटिव ऑन हो जाएगा। एंड दूसरा चीज, माउस मोड है तो यहां पर रखेंगे ना, तो माउस कैसे आप ऑपरेट कर सकते हैं, तो वैसे ही आप विंडोज स्क्रीन पर माउस जैसे फील देगा आपको, माउस जैसे शॉर्टकट भी चेंज होगा, तो माउस मोड को रख सकते हैं अलॉन्ग विद कितना फास्ट आप रखना चाहते हैं। देखिए इजीली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉर्नर टू कॉर्नर ही आपको पेन लेकर जाना पड़ेगा, तो वेरी नाइस फीचर मैं कहूँगा, जहाँ से आप वर्क करेंगे वहाँ से माउस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो टैबलेट वर्क स्पेस एरिया में माउस मोड भी आप रख के यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद पेन प्रेशर सेटिंग्स है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। देखिए अपना अपना एक स्टाइल होता है ना, अलग अलग कितना प्रेशर चाहिए पेन का, जो निब रहता है वो कितना प्रेस करेंगे आप टैबलेट के ऊपर, उसके ऊपर प्रेशर बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइटर स्ट्रोक के लिए इजीली ले रहा है, वेरी स्मूथली, विच इज नाइस, बहुत ही अच्छा। देखिए जैसे ही मैं प्रेस करते जाता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ, तो यहाँ पर थिकर स्ट्रोक्स मुझे मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पर बता रहा है कि कितना प्रेशर मैं लगा रहा हूँ, 8192 लेवल्स ऑफ प्रेशर सेंसिटिविटी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं विथ 8192। ओके, सो ये प्रेशर सेंसिटिव टेस्ट है, इसका भी प्रेशर आप चेंज करना चाहते हैं एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर है, देखिए कितना लाइट कितना हार्ड स्ट्रोक्स आप लगाते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको टिल्ट फीचर भी मिलता है, विच इज़ अमेजिंग, तो इतने एंगल में आप टिल्ट करके पेन को यूज़ कर सकते हैं। लाइटर स्ट्रोक्स अगेन, देखिए जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो हार्ड स्ट्रोक मिलेगा आपको, थिकनेस ज़्यादा होगा, तो बेसिकली ये एडजस्टमेंट यहाँ पर दिया गया है। बाद में जाके आप अगर कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट भी आप रख सकते हैं। तो इतने सारे सेटिंग्स है, चलिए एप्लीकेशन ओपन करके सॉफ्टवेयर ओपन करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर हमने एक ब्लैंक पेज ओपन किया है। ओके, तो ब्रश ले रहा हूँ मैं, तो ईजिली आप यहाँ से ब्रश एज वेल एज एरेजर को देखिए, इंस्टेंटली चेंज हो रहा है पेन एंड एरेजर। वैसे ही यहाँ ब्रश प्रॉपर्टीज़, क्योंकि राइट क्लिक रखा गया है पेन बटन का, तो ब्रश प्रॉपर्टीज़ में हम एडजस्ट करेंगे, ये वाला ब्रश लेंगे एंड यहाँ से थोड़ा स्लैंटेड में देंगे। ओके, तो देखिए जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, प्रेशर लगाता हूँ टैबलेट के ऊपर, तो थिकर स्ट्रोक है, वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ ना,
तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं लाइटर स्ट्रोक्स है, अलॉन्ग विथ ओपेसिटी जो है, एयर प्रेशर जो हम कहते हैं वो भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एयर प्रेशर मैंने सेट किया हूँ, तो इसको निकालूँ तो डायरेक्ट जैसे हमने कलर लिया है वैसे ही मिलेगा विदाउट एयर प्रेशर। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सेट करता हूँ तो कैसे चेंज होता है, लाइटर स्ट्रोक्स भी आप कर सकते हैं। कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, लाइटर स्ट्रोक्स चाहिए तो इजीली आप बना सकते हैं, वैसे ही प्रेस करते ही थिक मिल जाएगा। तो बार बार आपको ब्रश साइज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो लाइट ओपेसिटी बहुत ही कम है, राइट, जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो थिक बनता जाएगा। देखिए लाइटर टू थिकर स्ट्रोक्स, तो ये इसका खासियत है। जैसे नेचुरल ब्रश यूज़ करते हैं वैसे ही आप इस पेन को यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका ग्रिप ओवरऑल मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि हालांकि थिकनेस बहुत है इसका पेन का, लेकिन आप यूज टू हो जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। एंड यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ सेटिंग्स करने में हो, या फिर पेन प्रेशर सेंसिटिविटी एडजस्ट करने में हो, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, तो सारा सेटिंग्स इन्होंने अच्छी तरीके से ही दिया है। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी टैबलेट देख रहे हैं तो यूची का टैबलेट आप कंसिडर कर सकते हैं। S1060 मॉडल है इसका, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैं लिंक देता हूँ, वहाँ से जाकर आप इस चीज़ को खरीदी कर सकते हैं। होपफुली यह रिव्यू आपको हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।